ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हर्ष वीडियो यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोबाइल ट्रैकिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अगर आपने इंटरनेट पे कभी भी सर्च किया होगा मोबाइल ट्रैकिंग के बारे में तो आपको तरह तरह के वीडियो देखने को मिले होंगे, तरह तरह के आर्टिकल देखने को मिले होंगे जहां पे मोबाइल ट्रैकिंग के बारे में बताया गया होगा। नॉर्मली तौर पे ज्यादातर वीडियो या फिर ज्यादातर आर्टिकल में आपको यही बताया जाता है कि कुछ ऐसे वेबसाइट हैं या फिर कुछ ऐसे ऐप हैं जहां पे आप जिनका नंबर ट्रैक करना चाहते हैं उनके नंबर को टैप कर दीजिए और टैप करने के बाद पलक झपकते उनका करंट लोकेशन आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सारा ऐसा वीडियो आपको देखने को मिलता, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल देखने को मिलते हैं। तो सिंपल बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जितना भी ऐसे आपको देखने को मिलता है कि तरह तरह की वेबसाइट है जहां पे आप जाइए और ये लिख दीजिए उनका नंबर, आपका उनका जो करंट लोकेशन आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों सीधा समझिए ये बिल्कुल गलत है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब नॉर्मली तौर पर दोस्तों पॉसिबल नहीं है तो अर्थात मोबाइल ट्रैक नहीं हो सकता है। तो ऐसा है दोस्तों, मोबाइल ट्रैक हो सकता है, ये नहीं मैं कह रहा कि मोबाइल ट्रैक नहीं हो सकता है, मोबाइल ट्रैक होता है। देखिए दोस्तों, आप नंबर के माध्यम से यहां पर बात कर रहे हैं तो नंबर के माध्यम यहाँ पे ट्रैक किया जाता है ट्रायंगुलर एल्गोरिथम को यूज करके। यहाँ पे BTS यूज किया जाता है दोस्तों, पुलिस वाले भी यही सब काम करते हैं, BTS यूज करके किसी विक्टिम को वो पकड़ते हैं। एज एग्जांपल मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे कैसे ट्रैक किया जाता है, तो मान लीजिए आप मेरे नंबर को ट्रैक करना चाहते हैं या फिर मेरा नंबर ट्रैक हो रहा है, तो नॉर्मली तौर पर जो मेरा नंबर रहेगा उसे ट्रैक करने जा रहे हैं तो यहाँ पे BTS का यूज किया जाएगा, यानी कि जो बेस टावर स्टेशन है उसे यूज किया जाएगा ट्रायंगुलर एल्गोरिथम के माध्यम से। मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मान लीजिए मेरे इधर भी नेटवर्क है, मेरे इधर भी नेटवर्क है, मतलब चारों तरफ नेटवर्क फैला हुआ है। तो एज एग्जांपल जैसे मैं जियो का सिम यूज कर रहा हूं तो जो पुलिस वाले हैं वो जियो की टेलीकॉम कंपनियां से थोड़ा कांटेक्ट करेगी, वहां पे BTS आईडी मांगेगी कि नॉर्मली तौर पे कौन कौन से वो नेटवर्क से कनेक्ट है। तो ऐसे में एज एग्जांपल मान लीजिए कि यहां पे एक टावर है जिससे मैं 5 किलोमीटर की दूरी पे हूं और उधर का जो टावर है वहां से मैं 7 किलोमीटर की दूरी से हूं और उधर का जो टावर है उससे मैं 2 किलोमीटर की दूरी से हूं, तो यहां पे ट्रायंगुलर एल्गोरिथम निकला तो नॉर्मली तौर पे एक जगह पता चल गया कि हां इधर से इतना दूर है, हां इधर से इतना दूर है, इधर से इतना दूर है, तो हां इस इलाके में ये लड़का हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहां पे सटीक जो लोकेशन है वो नहीं पता चलता, लेकिन हां एक अंदाजा लग जाता है ये जो लड़का है इस एक लोकेशन पे होगा। तो नॉर्मली तौर पे दोस्तों पुलिस जो है इसी तरीके से काम करके लोकेट करती है डिवाइस वगैरह को या फिर नंबर वगैरह को। तो ऐसे में दोस्तों ये भी तब पॉसिबल है जब तक आपका मोबाइल ऑन है, किसी नेटवर्क से कनेक्ट है तभी ये पॉसिबल है। अगर आपका मोबाइल स्विच ऑफ है, आपका स्मार्टफोन पावर ऑफ है, किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा, ट्रायंगुलर एल्गोरिथम यूज नहीं हो पाएगा वहां पे। अब दोस्तों टेक्नोलॉजी बहुत विकसित कर गई है तो यहाँ पे GPS का भी यूज में लिया जाता है ट्रैकिंग करने के लिए। तो नॉर्मली तौर पे दोस्तों GPS से रिलेटेड तो आपको तरह तरह के ऐप देखने को मिलते हैं। एज एग्जांपल आपके पास अगर एक मोबाइल है, आपका मोबाइल अगर गुम हो जाता है तो नॉर्मल तौर पर उसे आप ट्रैकिंग करके खोज सकते हैं। एज एग्जांपल जैसे कि मैंने आप लोग पहले ही एक वीडियो बनाकर बताया था फाइंड माई डिवाइस के बारे में कि आप फाइंड माई डिवाइस अपने डिवाइस में डाउनलोड कर लीजिए और जो सामने वाला जिस डिवाइस में आपने ईमेल आईडी रखा है वही डिवाइस खो गया है तो उस डिवाइस के ईमेल आईडी को आप यहां पे लिखिए और पासवर्ड को लिखिए और फाइंड माई डिवाइस में आपको जो डिवाइस है वो दिख जाएगा, साथ ही साथ करंट लोकेशन भी दिख जाएगा और डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटिव में उसका टिक मारा हुआ रहेगा तो नॉर्मल तौर पर उसे आप हैंडल कर सकते हैं, लॉक वगैरह तरह तरह के काम कर सकते हैं, मतलब कि उस डिवाइस को अपने अंडर में ले सकते हैं। तो नॉर्मली तौर पर दोस्तों कुछ इस तरीके से जो मोबाइल फोन वगैरह है वो ट्रैक होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि जो आप ट्रैक करना सोच रहे हैं ऐसा नहीं है कि आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, तरह तरह बहुत बड़े बड़े ऐसे हैकर हैं जो ट्रैक कर सकते हैं ट्रायंगुलर एल्गोरिथम के यूज से। लेकिन दोस्तों बिना किसी की इजाजत के उसके नंबर को ट्रैक करना वो इलीगल काम है। अगर आप ऐसा करते हैं, इंटरनेट पर आपको कुछ ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगी और आपको यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियों से थोड़ा कॉन्टेक्ट में रहना होगा, टेलीकॉम कंपनियां तो जल्दी आपको किसी का डिटेल देगी नहीं क्योंकि कुछ सिक्योरिटी के कारण आपको डिटेल दिया नहीं जाएगा। अब नॉर्मली तौर पर आप एक बहुत बड़े प्रो हैकर है तो आप ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक इलीगल काम है। तो बस दोस्तों इसी कुछ कैसे जो मोबाइल फोन है वो ट्रैक होते हैं। लेकिन दोस्तों आपने जो इंटरनेट पर तरह तरह के वीडियो देखा है, तरह तरह के आर्टिकल देखा है कि बस उन वेबसाइट पे जाइए या फिर उन ऐप पे जाइए और आप उनका नंबर जिनको आप ट्रैक करना चाहते हैं लिखिए और तुरंत उनका लोकेशन सामने आ जाएगा, तो दोस्तों ये 100% झूठ है। तो यही दोस्तों आज के इस वीडियो में, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल को। इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलता है आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।